से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अपनी कुछ बात आपसे शेयर करने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए, ये आसमां की जमीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त, मैं आपका क्लाइंट, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं इस बिजनेस में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूँ। दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बस एक मिनट आपसे बात करूँ तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले, गैलवे बिजनेस में आने से पहले मैं एक जॉब कर रहा था, एक प्राइवेट कंपनी में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जॉब कर रहा था, जहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ही सीमित थी। बस यही जानता था कि आप काम पे जाओ, लेट नाइट काम पे आओ। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता था, सड़क बनाने का, रोड बनाने का काम करता था, बहुत ही कड़ी हार्ड वर्क लाइफ जीता था। आज तक कभी भी मैं अगर अपने देश की बात करूं तो मैं अपने देश तो अब मैं छोड़ दूं, मैं अपने राज्य को ठीक से नहीं घूम पाया था जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं। लेकिन इस बिजनेस का देन है कि सिर्फ अपने देश नहीं, विदेश नहीं, मैं उन देशों में मैं गैलवे की वजह से घूमने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, जिस देशों में लोग अच्छी खासी, मैं जहां तक मेरा मानना है, मैं मेरी फैमिली में जो मेरी बैकग्राउंड है, जो हमारी फैमिली लाइफ है, बहुत सारे ऐसे हैं मेरे रिलेटिव जो एक अच्छे बैकग्राउंड के रहने वाले हैं, जो एक अच्छी जॉब में, हाई क्लास जॉब में है, जिनकी पूरी लाइफ लोग ये उनको एग्जाम्पल देते थे कि ये वो शख्स है जो एक ग्रेड की जॉब करते हैं, जिनकी लाइफ लोग बहुत सम्मान और अपने आप को बहुत सम्मानित और अपने आप को ये समझते थे कि बहुत कुछ है मेरे पास, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन दोस्तों जब भले मैंने एक पिक डाला था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, मैंने डाला था कि मैं यूरोप में हूँ और पराग शहर में मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव मुझे ये कह रहे थे कि तुम यूरोप गए हो। दोस्तों जिस कंट्री में हम हैं, यूरोप जो कॉन्टिनेंटल में है, बिलीव मी ये सेंगेन वीजा के अंतर्गत आता है और सेंगेन वीजा बहुत हाई क्लास की वीजा होती है, जो अच्छे अच्छे जो एक क्लास के लोग होते हैं उनको भी ये वीजा नहीं मिलती कि वो उस देश में घूम सके। आज इस गैलवे बिजनेस का दिन है कि आज हम यूरोप घूम रहे हैं, इस हिस्टोरिकल सिटी को हम देख रहे हैं, इतिहास से जुड़ी हुई ये शहर है। दोस्तों बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे वो देखने को मिली जो हमें सीख देती है किस तरह इन लोगों ने पिछले कई सौ सालों से अपने शहर को संजो के रखा है, अपनी पुरानी चीजों को किस तरह यहाँ के लोग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, किस प्रकार ये लोग जीते हैं आज हमें देखने को मिला। दोस्तों ये कमाल का अनुभव रहा हमारे साथ। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं और मेरे बहुत सारे डाउनलाइन आज यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं नहीं जानता कि मेरी वीडियो आपके पास जो पहुंच रही है, आप कौन से लेवल पे हैं, मैं नहीं जानता, आप सीडी हैं, आप पीडी हैं, एमरोल्ड हैं, आप रूबी हैं, आप सफायर हैं, डायमंड, ग्लोबल डायमंड, आप कौन से लेवल पे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आप लोगों ने ये ठान लिया कि मुझे भी कंपनी की अगली टूर का हिस्सा होना है, मुझे भी देश नहीं विदेश घूमना है, तो गैलवे बिजनेस उन सारे लोगों का स्वागत करता है जो अपने मन में ये तमन्ना रखते हैं कि हर जगह घूमना है, आपका गैलवे बिजनेस स्वागत करता है। लेकिन बसरते कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस मिलेंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव मिलेगा और जिंदगी का नाम इसी का है जिंदगी। दोस्तों जिंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव मिलेंगे आपको और इस बिजनेस में मिलेंगे, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव से कभी घबराइएगा मत, हो सकता है कि सीढ़ी लेवल आप पीढ़ी लेवल पे हो और आपके साथ बहुत सारी चुनौतियां आ रही हो, आप एमरोल्ड हो सकता है कि आप लीडरशिप के लेवल पे हो, आप सफायर हो सकता है कि आप कामयाबी के उस नजदीक हो जहां से आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन आपको संघर्ष झेलना पड़ रहा होगा, आप आज घबरा रहे होंगे कि न जाने मेरा कल क्या होगा, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि यही वो दिन है कि आपको डट के मुकाबला करना है। जीवन में सिर्फ ग्लेज बिजनेस नहीं, सिर्फ गैलवे बिजनेस नहीं, दुनिया का कोई भी काम आप करेंगे तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। दोस्तों एक व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात करूं कि अगर जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी जब चेकअप होती है हार्ट की, तो उस हार्ट की चेकअप में अगर उसकी हार्ट की ग्राफ आप देखेंगे ना तो अप एंड डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, अप डाउन हो रहा है, इट मीन्स यू आर लाइफ, आप जिंदा है। जिस दिन आपका हार्ट का ग्राफ फ्लैट हो गया इट मीन्स यू आर गॉन, आप मर गए।
तो दोस्तों हर्ट जो ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है ये दिखाता है कि जीवन इसी का नाम है, उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो आज आपके बिजनेस में चाहे आप जिस किसी भी लेवल पे हो, उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे। कभी घबराना मत, क्योंकि इसलिए मत घबराना क्योंकि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो है आपके अपलाइन। अपलाइन दोस्तों आपके हर सुख हर दुख में आपके साथ खड़ा है वो। आप कभी घबराना मत। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लोग सामान्य जो तत्काल परिस्थितियां चल रही होती है अब उन्हें देखकर वो घबरा जाते हैं और वो ये फैसला ले लेते हैं कि शायद गेले बिजनेस में मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सामने जो शख्स खड़ा है, जो आपसे बात कर रहा है, ये अंबानी का बेटा नहीं है, ये किसी टाटा से नहीं आया कि मेरे पिता करोड़पति थे, मैं अरबपति था और मैं यूरोप घूम रहा हूँ। मैं भी सिर्फ आपकी तरह एक सामान्य परिवार से निकल कर आया, उस देश में आया हूँ जहाँ पे अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास के लोग आने को सोचते हैं लेकिन वो जीवन भर आ नहीं पाते। लेकिन गैलवे बिजनेस के बदौलत में यहाँ तक आया। इसके पीछे कारण दोस्तों सिर्फ एक है, वो ये है कि आज से 7 साल पहले जो मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने एक विश्वास किया था कि इस बिजनेस को करके एक दिन मैं अपने सारे ड्रीम को पूरा करूंगा, इस बिजनेस को करके अपनी सारी फैमिली की ड्रीम को पूरा करूंगा, इस बिजनेस को करके मैं देश विदेश घूमूंगा। आज दोस्तों मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं हर वो ड्रीम पूरा हो रहा है। बारी दोस्तों आपकी है, बसरते मैं वही बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विश्वास, बिलीव एक ऐसा चीज है कि कोई किसी को उधार में नहीं दे सकता। बिलीव पैदा करना पड़ता है। और बिलीव पैदा कैसे होता है, कहते हैं ना दोस्तों बिलीव विश्वास होता है ना, विश्वास ज्ञान की संतान होती है। जहां ज्ञान होता है वहीं पे विश्वास होता है। आप जितना ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आज रोहित शर्मा यहां तक आ पाया है तो ये विश्वास की बदौलत आ पाया। विश्वास आया कहां से, वो आया ज्ञान से। आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को सीखें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इस बिजनेस को सीखने में डुबाएं। जितना ज्यादा बेहतर ढंग से इस बिजनेस को सीखेंगे उतनी बेहतर आप कामयाब बनेंगे। अपने आप को सीखने में डुबाएं। आज दोस्तों मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे लोगों की बात करूं, आज हमारे पास ऑनलाइन हर चीज सीखने को आपको उपलब्ध है। YouTube से लेकर Facebook हर जगह पे हम बहुत तरीके चीज सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग YouTube पे Facebook पे तो होते हैं लेकिन सिर्फ अपना फोटो अपलोड करते हैं वगैरह वगैरह, कमेंट अच्छा सुनना चाहते हैं, सुपर लुक वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप YouTube पे अगर जाते हो तो अगर आप प्रोफेशन में है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं तो आप सीखें कि मैं डायरेक्ट सेलिंग जिसमें कर रहा हूं इस प्रोफेशन में कैसे कामयाब बनूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप बेहतर और पॉजिटिव चीज सीखें क्योंकि इंटरनेट कहते हैं वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो अगर आप इंटरनेट पर जाते सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ले कि वो पॉजिटिव चीज जो कि आपके बिजनेस को बड़ा करे, वो पॉजिटिव चीज जिससे कि आपका नेटवर्क बड़ा बने, वो पॉजिटिव चीज जिससे कि आपके ड्रीम पूरे हों, आपकी फैमिली के ड्रीम पूरे हों, ये हमारे बस में होता है दोस्तों। हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं और क्या नहीं बनना चाहते हैं, हम कामयाब बनना चाहते हैं, हम फेल होना चाहते हैं, जीवन के किस लेवल पे जाना चाहते हैं, कैसी सक्सेस चाहते हैं, इसका फैसला कोई और नहीं सिर्फ आप करते हैं, सिर्फ आप। इसलिए आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, सिर्फ उसके बारे में सीखें। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, भड़काने वाले, उकसाने वाले। हो सकता है कि आपके अगल बगल जहां जिस फ्रेंचाइजी में आप रह रहे हो आपको 2-4 लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे उसे देखो वो 1 साल हो गया डायमंड नहीं बना, वो 2 साल हो गया वो आरडी नहीं बना, वो आपको वो व्यक्ति कभी आपको कामयाब नहीं कर सकता, वो कभी ये नहीं बता सकता कि जिस शख्स को आप सुन रहे हो ये 7 महीने में स्टार डायमंड बना था, वो कभी नहीं कहेगा आपको कि ये जो शख्स को आप सुन रहे हो 27 महीने में स्टार ग्लोबल डायमंड बना था, वो सिर्फ आपको फेलियर लोगों को दिखाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन संगत को आप छोड़ दो, आप उन लोगों को सुनो जो आपको ये कहे कि ये वो शख्स है जो डायमंड बना, ये वो शख्स है ग्लोबल डायमंड बना, ये वो शख्स है जो आज लाखों कमाते हैं, ये वो शख्स है जो साल में करोड़ों कमाते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ उन लोगों को सुने जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। आप उनकी संगत छोड़ दें जो आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं। आपको मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, हर तरह के लोग आपको अपने बिजनेस में मिलेंगे। आप सिर्फ उनकी सुनो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, लाइफ में हासिल करना चाहते हो। दोस्तों मेहनत करें, जमकर मेहनत करें, आपका मेहनत रिजल्ट आएगा और एक दिन सक्सेस आपके सर चढ़कर बोलेगा। एक दिन वो दिन आएगा कि आज आपको दोस्तों आपके गांव के लोग नहीं जानते होंगे, एक दिन वो आएगा जब आपको शहर नहीं देश नहीं विदेशों में भी लोग जान रहे होंगे, जब पूरे देश में लोग जान रहे होंगे कि ये वो शख्स है। जब कंपनी का ऑफर आया था तो कंपनी में विदेश टूर को हासिल किया था
दोस्तों आज इतिहास रचने का आपको मौका मिला है। कहते हैं ना कि इंसान को जब इतिहास रचने का मौका मिलता है, इंसान जब इतिहास रच रहा होता है तो उस इंसान को खुद पता नहीं होता कि मैं इतिहास लिख रहा हूं। आप इतिहास लिख रहे हैं, आप जितने सारे लोग मेरी ऑडियो को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा आप इतिहास लिख रहे हैं। दोस्तों आप मेहनत करें, जीतोड़ मेहनत करें, अपलाइन को पकड़ें और उन्हें फॉर्मूला ले, उनसे मोटिवेट हो, उनसे एजुकेट हो और उन्हें कहें कि सर मुझे किसी भी हाल में मुझे 4 ड्रेक्ट इस महीने लगाना है और लगाना है तो लगाना है। और आपके अपलाइन आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि आप किस प्रकार इस महीने 4 ड्रेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको यही कह सकता हूं कि अपलाइन आपके साथ है, आप मेहनत करें, जमकर मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। गो गो गो।